क्या था होमवर्क में? एक्सरसाइज वन में क्या क्या दिया था? डी और ई पार्ट वन पार्ट डी और ई डी और डी का ए बी सी डी हो गया। डी दिया था नहीं इसका? डी हो गया क्या? दिया दिया था आपने? था सर। डी हो गया ना लेकिन। नहीं सर, अच्छा तो बताइए पार्ट वन में। D3। D3 D4 E3 D4 E3 E3 D4 D4 हो गया। E3 और बताइए, बस इतना ही दिया था ना? पार्ट वन का हो गया। पार्ट टू में बताइए। D2 D2 E1 E1 D2 E1 दोनों हो गया। ठीक है चलो करते हैं। पहला है D3। सॉलिड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड फिक्स्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ टोटल चार्ज क्यू। हमारे पास में नॉन कंडक्टिंग स्फीयर दिया है जो कि फिक्स है और टोटल चार्ज इस पे दिया है कि क्यू है, यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके पूरे वॉल्यूम में है और इसकी रेडियस अपने को दे रखा है। इसने एक टनल यहाँ इसमें है लेकिन टनल की साइज काफी स्मॉल है। तो हमें यहाँ दिया भाई कि एक टनल है लेकिन टनल की साइज काफी स्मॉल है, यानी जो टोटल चार्जेस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पर भी कोई चेंज नहीं हो रहा है और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ये कहने का मतलब है मेरा यहाँ। और ये कह रहा है कि एंड रेडियस आर कंटेन्स अ टनल ऑफ नेग्लिजिबल डायमीटर इफ अ पॉइंट चार्ज माइनस क्यू ऑफ मास एम इज रिलीज्ड एट रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी। एक पॉइंट पी इसके आउटसाइड में है, वहां से एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इस पर स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसको क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को यहाँ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ जीरो है ठीक। और ये इसका सेंटर है सी और इसकी जो रेडियस है स्फीयर की वो आर है और ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया है सरफेस और पी के बीच की वो आर है। तो कह रहा है कि रेस्ट फ्रॉम पॉइंट पी एज शोन इन फिगर देन फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स। किस किस पॉइंट पर पूछ रहा है, एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर कितना होगा ये पूछ रहा है और एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर पूछ रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये पी पॉइंट है और ये सेंटर इसका सी है, इसको मान लेते हैं कि ये बी पॉइंट है। सरफेस वाला जो पॉइंट बी है वह पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एनर्जी कंजर्व करवाएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है
तो पहले तो देख लेते हैं कि बी पॉइंट पर इसका पोटेंशियल क्या होगा। तो बी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो तो हो जाएगा क्यू बाई 4πε0r, और सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो होता है दरअसल 3/2 क्यू बाई 4πε0r। ये होता है, हम लोग क्या करेंगे पी और बी के बीच में एनर्जी कंजर्व करवाएंगे, फिर पी और सी के बीच में, वैसे तो तीनों पॉइंट पर एनर्जी क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी मैकेनिकल एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट पी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। अच्छा, पी पर पोटेंशियल क्या है वो भी निकाल लेते हैं। तो पी पर पोटेंशियल होगा क्यू बाई 4πε0 × 2r, एनर्जी कंजर्व करवा दो। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसकी, तो इसको तो विद साइन लेंगे, तो माइनस क्यू इंटू यहाँ का पोटेंशियल वो है क्यू बाई 4πε0 × 2r प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो इज इक्वल टू बी पॉइंट पर, तो माइनस क्यू क्यू बाई 4πε0 r प्लस वहाँ की काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम बी बी का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू, सेंटर की बात करेंगे वहां का पोटेंशियल है 3/3 क्यू, ये 2 हो जाएगा, ये 4πε0 r प्लस वहां की वहां काइनेटिक एनर्जी जिसकी हाफ एम बी सी का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, इसको इसके इक्वल कर लो, फिर इसको इसके इक्वल कर लो, आ जाएगा ठीक है, ये 3/2 है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है डी फोर, क्वेश्चन में कह रहा है टू आइडेंटिकल चार्जेस 5 μC each are fixed at a distance and the charged particle of mass and charge is placed at a distance from each of them and is released by the speed. तो यहाँ कैसा दिया हुआ है, दरअसल एक चार्ज पार्टिकल यहाँ की है फिक्स है, एक चार्ज पार्टिकल यहाँ फिक्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 8 cm है और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से रिलीज कर रहे हैं और ये इसने 5 cm डिस्टेंस भी दिया हुआ है, यानी ये 5 cm है, ये 5 cm है और ये 5 μC है, इसको कैपिटल क्यू ले लेता हूँ, और ये भी 5 μC है और इस चार्ज पार्टिकल को जिसको रिलीज कर रहे हैं उसका मास है, उसका चार्ज है क्यू, जो कि क्यू कितना दिया इसने -10 μC और उसका मास भी अपने को दिया है 9 × 10⁻⁶ kg। अब ये कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द टू चार्जेस, मतलब क्या हुआ इसका, ये ऐसा दिया हुआ है, यानी यहाँ से भी 5 cm पर, यहाँ से 5 cm पर, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज है तो इसको फोर्स सीधा लग रहा होगा, इसको फोर्स सीधा लग रहा होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा, सिमेट्रिकली मूव करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ से 4 cm, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पर है और फोर्स भी दोनों का सेम है, इसको ये क्या करेगा, इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इधर की तरफ मूव करेगा, जब यहाँ पहुंचेगा क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस तो ये हुई, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड मान लेते हैं क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और यहाँ इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहाँ जीरो है, यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी किस किस के बीच में लगा रहे हैं हम लोग, ए एंड बी के बीच में, तो इन दोनों का पोटेंशियल उस पॉइंट पर लिखेंगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, ये आ जाएगा वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी, यानी हो जाएगा -10 μC, इन दोनों की वजह से पोटेंशियल कितना होगा वहाँ, तो 5 μ/4πε0 5 × 10⁻², 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। ये आगे यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ की क्या जीरो, यहाँ जब पहुंचेगा तो 4 सेंटीमीटर पे तो क्या लिखेंगे माइनस 10 माइक्रो हो जाएगा 5 माइक्रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव नहीं आएगा, ये कितना आएगा अभी यहाँ 4 × 10⁻², प्लस यहाँ की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व कर लो आ जाएगा आंसर, ये 4 हो जाएगा। इसको फिर 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है ना दोनों से, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर नहीं ध्यान रखना है, 2 से मल्टीप्लाई के सॉल्व कर लो आ जाएगा। नेक्स्ट है A3, अपने को कह रहा है कि 8 इक्वल पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू एंड मास एम आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए। एक क्यूब अपने को दिया हुआ है यहाँ जिसके साइड लेंथ ए है और उसके हर कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, तो क्यू क्यू चार्ज हर कॉर्नर पे रखा हुआ है यहाँ, यानी टोटल जो चार्ज ये बता रहा है ये क्यू है और इस क्यूब की जो साइड लेंथ है वो अपने को दिया हुआ है, वो साइड लेंथ ए है। क्या कह रहा है, फाइंड आउट पोटेंशियल जब चार्ज सिस्टम निकाल लेंगे, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू इंक्रीज ऑल साइड्स ऑफ क्यूब फ्रॉम ए टू 2A। तो सबसे पहले तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालना मैंने आपको बताया था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी पहला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी इसकी, इसी एक को पकड़ते हैं इसको है ना, तो यहाँ पहले पोटेंशियल लिखेंगे हम लोग सारे इस सब का, इसका 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 आप देख रहे हो कि ए डिस्टेंस पर है, कितना हो जाएगा 3Q/4πε0A प्लस, अब ये देखो इससे ए रूट टू पर है, इससे भी ए रूट टू पर है, मतलब कोई भी एक पकड़ेंगे सॉरी है ना, ये जैसे ये लेंगे ना पहले इसको ले लिया मान लो मैंने, यहाँ से ए पर ए पर ए पर ये हो गया, अब ये देखो ये यहाँ से ए रूट टू पर है, यहाँ से ए रूट टू पर है, यहाँ से ए रूट टू पर है, कितना आ गया 3Q/4πε0A रूट टू प्लस, अब ये भी तो बचा है, ये कितनी डिस्टेंस, सॉरी ये वाला कॉर्नर ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी ए रूट थ्री, इसका हो जाएगा Q/4πε0A रूट थ्री। अब आप देखो ये एक के हमने लिखा है यहाँ है ना, एक के लिए, आप देखो दूसरे के लिए जाओगे तो सेम रिपीट कर रहा है ये, तीसरे के लिए जाओगे तो मैंने थर्ड मेथड बताया था आपको वो यूज करूंगा मैं, तो यहाँ सबके लिए लिखेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और फिर क्या करेंगे क्योंकि हर टर्म दो दो बार आ रही है तो उसे डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास में आ गई पोटेंशियल एनर्जी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गई और यही आंसर हो गया। दूसरे केस में क्या कह रहा है, ये ऐसे 2A पर ले जा रहा है, तो ऐसे 2A पर ले जा रहा है तो वहां की पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं यू फाइनल, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा दरअसल ये हो गया 8/2, ये हो जाएगा 3Q/4πε0, एक ही जगह क्या लिखेंगे 2A प्लस 3Q/4πε0, एक ही जगह क्या लिखेंगे 2A रूट टू प्लस Q/4πε0, एक ही जगह 2A रूट थ्री, ये हमारे पास में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। अब इसको एस ए इसका कॉन्फ़िगरेशन का यानी इस सिस्टम का रेडियस जो है वो ए पे ले जा रहा है 2A की तरफ, यानी हर एक को 2A डिस्टेंस ले जा रहा है, एक तरह से 2A डिस्टेंस पे ले जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये कह रहा है कि जब लेके जा रहे हैं तो कितना वर्क एक्सटर्नल फोर्स को करना पड़ेगा और कितना वर्क इलेक्ट्रिक फोर्सेस को करने पड़ेंगे, तो देखो कैसे करेंगे आगे, इसका मतलब इस पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है इस केस में जीरो है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ जीरो है, तो
अप्लाई कर रहे हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, तो फ्रिक्शन का वर्क जीरो ही होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पहले डब्ल्यू सी निकाल लेते हैं, तो डब्ल्यू सी क्या, वैसे हमें मालूम है, हमें मालूम है कि डब्ल्यू सी इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी यू। माइनस डी यू का मतलब होता है माइनस, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल होता है। इसका मतलब हुआ कि डब्ल्यू सी कितना आ गया, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आ गया। क्लियर है, इसको रख दो यहाँ, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल कर दो, आपको वर्क डन बाई डब्ल्यू सी यानी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस आ जाएगा। इसी तरह इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डी यू इक्वल टू जीरो, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आ गया, डी यू, यानी डी यू मतलब यू फाइनल माइनस इनिशियल, ये वर्क भी आ जाएगा। इसको रख दो, हमें वैल्यूज पता ही है, इन वैल्यूज में यहाँ रख दो, तो दूसरा पार्ट भी हो गया इसका। नेक्स्ट क्या करना है, तीसरे पार्ट में कह रहा है कि ऑल द चार्जेस आर रिलीज्ड एट रेस्ट, देन फाइंड आउट देयर स्पीड व्हेन दे आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 2a। पूरा सिस्टम सिमेट्रिक है, तो सबके सब क्या होगा, यानी हर इंस्टेंट पर क्या मिलेगा अपने को, क्यूब मिलेगा। तो ये कह रहा है कि जब पूरा सिस्टम यानी a से 2a पे चले जाएंगे, तो अब उस केस में ये क्या हुआ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगी। यानी इस केस में वापस से तो अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, तो रहेगा डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू सी, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ तो हमने रिलीज कर दिया ना, इसका वर्क भी जीरो हो गया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ है ही नहीं। इसका मतलब ये क्या आ गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक एनर्जी आ गया। क्योंकि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल आपको दे रखी है, ये रही फाइनल, ये दे रखी, रख दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या, जीरो, यानी आ जाएगा यू इनिशियल प्लस जीरो इक्वल टू फाइनल यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हो जाएगी, हर एक पार्टिकल की स्पीड क्या होगी, यहाँ सेम होगी, तो हाफ एम वी स्क्वायर इंटू इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल की स्पीड है, क्यों, क्योंकि यहाँ मोमेंटम क्या होगा, हमेशा जीरो बना रहेगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर है नहीं, सिस्टम का सेंटर मास रेस्ट पर है। तो पूरा सिस्टम इस तरह से मूव कर रहा है कि चेंज मोमेंटम क्या रहेगा, हमेशा जीरो बना रहेगा। इसलिए सबकी स्पीड क्या होगी, यहाँ वी बनी रहेगी, क्योंकि सिमेट्रिक सिस्टम है। इसलिए यहाँ से सॉल्व करो, आ जाए हमारे पास में फोर्थ, इफ कीपिंग ऑल द चार्जेस फिक्स्ड, चार्ज ऑफ कॉर्नर ए इज रिलीज्ड, then find out its speed when it is at an infinite distance। अब यहाँ क्या कह रहा है, दरअसल ये क्यूब है, लेकिन सारे चार्जेस क्या है, यहाँ फिक्स है, और कॉर्नर ए जो है उसका चार्ज क्या है, उसको फ्री कर दिया जाता है। तो यहाँ भी चार्ज क्यू है, सब पे चार्ज क्यू क्यू दिया हुआ है, और ये ए पॉइंट है जहाँ क्यू चार्ज को रिलीज कर रहे हैं। तुम्हें तो बताना है जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। यहाँ देखो, जब इसको रिलीज करेंगे तो सबसे पहले वापस यहाँ भी एनर्जी कंजर्व करवाएंगे, यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करेंगे। तो इस पॉइंट के लिए सबका पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू इंटू बी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो ना, इन्फिनिटी पर जाने के बाद में। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल हमने निकाल ही लिया था, ये पोटेंशियल होगा कितना आ जाएगा, 3q by 4 pi epsilon not a plus 3q by 4 pi epsilon not a root 2 plus, ये हो जाएगा q by 4 pi epsilon not a root 3, और ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ एम बी स्क्वायर, बी स्पीड आ जाएगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी दे रही इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास में फिफ्थ,
फिफ्थ में क्या कह रहा है अभी, इफ ऑल चार्जेस आर रिलीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड आउट देयर स्पीड व्हेन दे आर एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये तो ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। सबको हमने रिलीज कर दिया, सबको रिलीज कर दिया तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखो सबको रिलीज करने का मतलब ये फाइनल, बस ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ जीरो हो जाएगी। यानी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल है, यानी इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो यही केस आ गया। इसमें आ जाएगा यू है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सबकी जीरो है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। और ये हो जाएगा 8 × 1/2 mv², ये आंसर है। और यू इनिशियल आपको दे रखा मैंने, इसलिए मैंने यू इनिशियल वही रखा, यू फाइनल वही रखा जो यहाँ लिया था, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि कोई इंटरेक्शन होगी नहीं, और अभी टोटल एनर्जी क्या सिस्टम की ये है, इसके लिए ऐसे अप्लाई करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसने सब दे दिया है। तो नेक्स्ट है पार्ट टू, पार्ट टू का डी टू। Particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb is held at rest on a frictionless horizontal surface. यानी ऐसा दिया हुआ है, एक frictionless horizontal surface दिया है और ये रुका हुआ पार्टिकल है यहाँ, इसका मास दिया हुआ है अपने को 2 ग्राम में और इस पर जो चार्ज है वो 1 microcoulomb है। Particle of mass 2 gram and charge 1 microcoulomb is held at rest on a frictionless horizontal surface at a distance of 1 meter from a fixed charge. एक fixed charge भी दिया हुआ है यहाँ, ये fixed charge है और वो दिया इसने Q equal to 1 millicoulomb. If the particle is released, it will be repelled. Simple सी बात है, दोनों positive तो repel होगा। The speed of the particle when it is a distance of 10 meter from a fixed charge is, अभी इनिशियल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है इनके बीच की, वो 1 मीटर दिया हुआ है। हमें बताना है उस केस में जब इसकी स्पीड, उस केस में बताना है जब ये कहाँ पहुंच जाए, 10 मीटर पे, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी जाए, 10 मीटर हो जाए। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है यहाँ, जीरो है। जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी मान लेते हैं। यहाँ भी एनर्जी कंजर्व करवा देंगे क्योंकि ये तो फिक्स है, जैसे इसको रिलीज करेंगे तो क्या करेगा, वो पुश करेगा या मूव करता जाएगा, यानी इसकी पोटेंशियल जो चेंज हो रही है वो किस में जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज कर रही है, वो चली चली जाएगी काइनेटिक एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी उसकी वजह से हो जाएगा QQ, ये QQ by 4 pi epsilon naught into 1 plus kinetic energy 0 is equal to QQ by 4 pi epsilon naught 10 plus इसके kinetic energy यानी 1/2 mv². आपको सब दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में E1। Next thing, even six charges of magnitude are fixed at the corner of a regular hexagon of edge length A, as shown in figure. The electrostatic potential change of the system of charged particles. ये बताना है। यहाँ भी वही सिमेट जो थर्ड मेथड है वो अप्लाई करूँगा मैं यहाँ।
इस पे चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, यहाँ क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ प्लस क्यू है, और साइड लेंथ अपने को दिया है ए है। हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बतानी को क्या करेंगे, साइड लेंथ ए दे रखा है, तुम्हें मालूम है कि ये डिस्टेंस कितना होता है, ये टू ए डिस्टेंस होता है ना, और डिस्टेंस भी कितना होता है, टू ए होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस ए होगा ना, ये भी ए होगा तो ये टू ए हो जाएगा, उसी तरह ये टू ए हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले किसी एक को पकड़ते हैं, इसको लेते हैं है ना, अब इसको लेते हैं तो आप देख रहे हो कि इसका 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 तीनों बार रिपीट होगा है ना, तो वो कैसे करेंगे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैंने पकड़ लिया मान लो, इसको करना है तो क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए पहले इन सब की वजह से आप पोटेंशियल लिखेंगे, इसका और इसका लिखना है ना, मैं पहले इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा तो माइनस माइनस टू क्यू माइनस टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, इन दोनों का आ गया। अब ये डिस्टेंस कितना होता है, आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना हमारे पास में, ये एंगल है हमारे पास में 120 डिग्री है, 120 डिग्री है और ये ए और ये ए, तो आप चाहो तो इस पर परपेंडिकुलर गिरा के आप ये डिस्टेंस बता सकते हो है ना, या फिर एक काम करते हैं क्योंकि ये अरे पता चल भी गया मान लो अपने को, तो 90 डिग्री है ना, तो डिस्टेंस कितना आता है, ए रूट थ्री आता है, या निकाल के दिखाओ आ जाएगा, आप करिएगा क्योंकि ऐसा है, देखो तो ये इनके बीच के डिस्टेंस अपने को बतानी है, परपेंडिकुलर गिरा इसको, तो ये एंगल अगर 120 तो एंगल कितना हुआ 30 तो हुआ, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है अपने को ए, हमें ये क्या हो गया हमारे लिए, देखा जाए तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस हो गया ना, कितना आ जाएगा ये ए रूट थ्री बाई टू, ये भी ए रूट थ्री बाई टू, क्या हो गया ए रूट थ्री हो गया ना, तो इन दोनों का तो मिल गया, अब इन दोनों का लिखेंगे क्या हो जाएगा, प्लस टू क्यू बाई टू क्यू बाई, इसको तो क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अरे कितना आ जाएगा ए रूट थ्री, और इसका लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू ए, ये डिस्टेंस तो कितनी हो गई यहाँ, टू ए डिस्टेंस हो गई, तो ये तो हुआ इसके लिए है ना, अब इसके लिए भी वही होगा और इसके लिए भी वही होगा, क्या करेंगे थ्री से मल्टीप्लाई कर देते, अभी तो अपने को इनका मिला है वन टू थ्री, अब क्या करेंगे, अभी इसका भी चाहिए, क्या लिखेंगे माइनस क्यू, उसको भी थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, क्योंकि इसका भी लिखूंगा और इसका भी लिखूंगा, ले रहे, और है ना, ये लिखने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ टू से इसमें भी डिवाइड करेंगे, टू से इसमें भी डिवाइड करेंगे, जब इसका लिखूंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ टू क्यू, इन दोनों की वजह से टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए, प्लस अब इन दोनों की वजह से तो माइनस टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ए रूट थ्री, और ये हमारे लिए इसकी वजह से लिखेंगे तो प्लस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू ए, और मैंने ऑलरेडी क्योंकि इस पूरे को टू से डिवाइड करूंगा ना, मैंने यहाँ कर ही दिया है, ये हमारे पास में सिस्टम की पोटेंशियल आ गई, यही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा ठीक है ना सर। क्या आप डी वन भी समझा सकते हो पार्ट टू का, पार्ट टू का कौन सा डी वन, हाँ समझा देते हैं, If a charge is shifted from high potential region to low potential region, the electric potential energy increases or decreases. अब देखो इसमें concept क्या है, इसने कहा shifted, इसका मतलब हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, अपने हैंड से उसको एक तरह से कैच करके उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जा रहे हैं, अरे बात सुन रहे, shifted यानी इसमें change in kinetic energy क्या है, zero है, ये मतलब हुआ। If a charge is shifted, मतलब change in kinetic energy zero है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, चलो देख लेते हैं, क्योंकि अच्छा पहला पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा ये इसने ये नहीं कहा कि चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, बस इसने एक इन्फॉर्मेशन दिया
कि हायर पोटेंशियल रीजन टू लोअर पोटेंशियल रीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लो ये पॉइंट है हमारे पास, ये ए है और ये बी है। मैंने मान लिया कि इसका पोटेंशियल यहाँ का बी है और यहाँ का बी बी है, और मैंने भी मान लिया कि बी ए जो है वो तो कह रहा वैसे तो कि बी ए बी बी से ज्यादा है, क्योंकि हम लोग ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर ए से बी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो अगर मान लो ये हायर है या लोअर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हुआ, तुम्हारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, खैर उससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें यहाँ से मान लो प्लस क्यू चार्ज मैंने लिया, मान लो पहला केस है हमारा, इसको यहाँ से यहाँ ले गया मैं, तो आप देख रहे हो कि इसकी पोटेंशियल यहाँ कितनी थी, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है क्यू बी ए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो गई यहाँ, क्यू वी बी। आप देख रहे हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या कर गई है, डिक्रीज कर गई है, तो इस केस में तो डिक्रीज कर गई है दूसरा केस। लेकिन अगर ये चार्ज पार्टिकल नेगेटिव होता तो क्या होता, तो ये ए और ये बी और ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ का पोटेंशियल हम कह रहे हैं कि ज्यादा है क्योंकि हायर से लोअर ले जाना है, लेकिन यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी देखो क्या हो जाएगी, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू इंटू वी ए। इसका मतलब क्या हुआ, ये उल्टा हो जाएगा भाई, समझाया, क्या हो जाएगा, माइनस क्यू इंटू वी बी, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि माइनस टू बड़ा होता है कि माइनस थ्री बड़ा होता है। ये क्या हो गया एक तरह से माइनस थ्री हो गया, ये क्या हो गया एक तरह से माइनस टू हो गया। इसका मतलब माइनस टू क्या होता है, बड़ा होता है माइनस थ्री से, मतलब ये हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंक्रीज कर भी सकते हो डिक्रीज कर भी सकते हो, तो मैं इंक्रीज और डिक्रीज, ये आंसर होना चाहिए। ओके okay?